नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लाइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूँ, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं दोस्तों। नमस्कार, फिर से आपका एक वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ईपीएफओ की इनकम किस तरह बढ़ी है, यानी एवरी ईयर हमने देखा था कि एवरी ईयर 14% के रेट से ईपीएफओ की इनकम बढ़ी है। और ईपीएफओ जहां 2011-12 में 1,61,000 करोड़ उसके पास थे, वहीं 2022-23 में 7,80,000 करोड़, 22-23 मतलब 31 मार्च 2023 को 7,80,000 करोड़ का कॉर्पस था इनका। यानी इससे पता लगता है कि एवरी ईयर आपकी इनकम 14% बढ़ती गई है। यानी आपने कोर्ट को झूठ बोला है कि आपका फंड घट रहा है, इसलिए हम 12 महीने से एवरेज 60 महीने कर रहे हैं। अब हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन्होंने पेंशन कितनी डिस्बर्स की है, यानी पेंशन पे कितना खर्चा आया है ईयर वाइज पिछले 11 सालों का। जिस तरह हमने इनकम देखी थी, इसी तरह पेंशन पे यदि हम खर्चा देखें तो पेंशन 2011-12 में 4,475 करोड़ रुपए पेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। और विड्रावल बेनिफिट्स, विड्रावल यानी जो लोग अर्ली ईपीएस छोड़ जाते हैं, नौकरी बदल लेते हैं, ऐसे देश के अंदर लाखों लोग होते हैं, बल्कि करोड़ों लोग होते हैं जो अपना जॉब चेंज कर लेते हैं। जब जॉब चेंज कर लेते हैं, यदि वो ईपीएस में नहीं रहते हैं तो उनको पैसा वापस दे दिया जाता है, तो वो विड्रावल बेनिफिट्स में आते हैं। तो इस तरह 3,000 करोड़ उनका विड्रावल बेनिफिट था, यानी टोटल 7,640 करोड़ का खर्चा था, जबकि इनकम इनकी 28,000 करोड़ थी। ठीक है जी, केवल इनकम कॉर्पस नहीं, कॉर्पस अभी भूल जाते हैं, केवल इनकम 28,000 करोड़ थी और इनका खर्चा उस साल का 7,000 करोड़ था, 7,600 करोड़ था। इसी तरह यदि हम देखें 12-13 का, तो 12-13 में इनका जो टोटल खर्चा था वो 9,000 करोड़ था, यानी 5,000 करोड़ लगभग पेंशन पे और 3,800 करोड़ लगभग विड्रावल बेनिफिट्स पे टोटल खर्चा था इनका 9,038 करोड़, जबकि इनकी इनकम थी 30,478 करोड़। इसी तरह अगले साल यदि 13-14 में हम देखते हैं, 13-14 में हमें स्पेशली देखना पड़ेगा कि जब हमने इन्होंने हमारे 12 महीने से 60 महीने किया था, तो जब हम देखें तब भी इनकी इनकम, टोटल इनकम इनकी 35,000 करोड़ थी और इनका पेंशन पे खर्चा 10,000 करोड़ था। यानी पेंशन के मुकाबले भी, इनकम के मुकाबले भी पेंशन 1/4, 1/5, 1/6 इस तरह ही रही है। और यदि हम 14-15 में देखें, जहां इन्होंने ये बताया कोर्ट को कि हमारा फंड डिप्लीट हो जाएगा, वहां देखिए आप कि वहां इनकी इनकम थी 43,000 करोड़। इनकम कॉर्पस तो बहुत अलग बात है, कॉर्पस तो बहुत बड़ा है, और इनका टोटल खर्चा था 12,000 करोड़, यानी 1/3.5, यानी इतना आपका खर्चा था, यानी हर बार आपका लगभग खर्चा बराबर ही रहा है। इसी तरह यदि हम दूसरे ईयर्स में देखें, 2015 के बाद भी देखें, तो 2015 के बाद इनकम की अपेक्षा इनका जो ये किस तरह हमारा टोटल खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। जो 2014-15 में 7,214 करोड़ पेंशन बटी थी, वही 2022-23, ये जो 22-23 31 मार्च 22-23 का खर्चा है, ये है 14,444 करोड़। और यदि हम 14-15 में ये देखें कि इन्होंने विड्रावल बेनिफिट पे कितना खर्च किया है, तो ये 5,388 करोड़ खर्च किए हैं, और इस पे 2022-23 में 8,500 करोड़। ये 8,500 करोड़ मेरा अनुमानित रकम है। अनुमानित रकम क्यों है, क्योंकि आप देखें उससे पहले इन्होंने 21-22 में 8,200 करोड़ खर्च किए हैं, 21-22 में ये कम हुए हैं 7,990 करोड़,
तो लगभग हम 400-500 करोड़ और मान सकते हैं। तो ये जो ग्रीन फिगर मैंने दिखाई है, ये ग्रीन फिगर मेरी एस्टिमेटेड फिगर है कि इतना होना चाहिए। अब यदि हम देखते हैं कि इनकी परसेंटेज वाइज भी पेंशन कितनी बढ़ी है, पेंशन पे खर्चा कितना बड़ा है 2011 से लेकर 2023 तक, तो भी आप देखें तो 2012-13 में 18% बढ़ा है, यानी 11-12 की अपेक्षा 12-13 में 18% बढ़ा है, उसके 13-14 में 20% बढ़ा है, 14-15 में 15% बढ़ा है, और 15-16 में 7% बढ़ा है, उसके बाद फिर 14% बढ़ा है, फिर 7% बढ़ा है, और फिर 13% बढ़ा है, और 19-20 में तो कोई खर्चा बढ़ा ही नहीं है, बल्कि उल्टे माइनस हुआ है। उल्टे जहां इनका टोटल खर्चा माइनस हुआ है, वहीं 20-21 में 12% और 21-22 में केवल 2% बढ़ा है, और 22-23 में 9.61%। तो यदि मैं इसको देखूं, यदि आप इसका एवरेज देखेंगे, तो ये एवरेज भी एवरेज में देख, यदि मैं एवरेज देखूं तो इसका एवरेज आता है 10.73%, यानी 10.73% ये एवरेज आता है, 10.73% एवरेज आता है, यानी इनकी जो इनकम है वो जहां एवरेज इनकम 14% के हिसाब से बढ़ी है, वहां खर्चा केवल 10% 10.73% के हिसाब से बढ़ा है। प्लस आप कॉर्पस देखेंगे तो ये इतने बड़े कॉर्पस पे आज भी बैठे हुए हैं, 7,80,000 करोड़ पे, और हमारा जो अनुमान है वो आज भी इनका खर्चा, यदि आप खर्चा देखेंगे तो ये जो खर्चा है इस साल, ये जो फिगर है 14,444 की, ये फिगर जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कही है, इसीलिए ये फिगर ऑथेंटिक है, पार्लियामेंट की खबर है ये, कि पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने, जिस पे हमने पीछे एक वीडियो भी बनाया था, उस पे इन्होंने पेंशन पे इतना खर्चा बताया है, ये विड्रॉवल बेनिफिट्स नहीं बताए हैं। तो मैंने पिछले 8000 करोड़ से ही 500 करोड़ रुपए ज्यादा मान लिए हैं, जबकि हो सकता है इतना ना हो, एक्चुअल फिगर कुछ और हो, लेकिन हम चूंकि अनुमानित फिगर ले रहे हैं, तो इस तरह इनका खर्चा है इस साल का 22,944 करोड़, जबकि इस साल की जो इनकम है इनकी वो है 1,16,000 करोड़, 1,16,871 करोड़, 1,16,871 करोड़ इनकी इनकम है। तो इस तरह आप देखेंगे कहां खर्चा 22,000 करोड़ और कहां इनकम 1,16,000 करोड़। यदि इनकम और इसमें अंतर देखें तो ये लगभग 1/8 हो गया या 8 गुना हो गया, तो इस तरह 8 गुना बल्कि 9 गुना हो गया, 8.5 गुना हो गया। तो इस तरह आप देखेंगे कि कभी भी इससे यह पता लगता है कि ईपीएफओ को जो आंकड़े दिए गए वो झूठे थे, सरेआम हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट को झूठी फिगर दी है। इस और आज भी, आज की यदि 6 महीने और की देखें तो ईपीएफओ कम से कम 8,00,000 करोड़ के पाइल पे बैठा हुआ है, 8,00,000 करोड़ के ढेर पे बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको एनकेएन प्रकरण पेंशन को कम करने की, हर आदमी की पेंशन को कम करने की कोशिश है। ऐसा क्यों है? हमारे देश की ये मानसिकता तो नहीं है। ईपीएफओ को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंड मैनेजर बनाया था, ना कि उसको एक कोई बैंक का दर्जा दिया है, ना कि उसको कोई ऐसा दर्जा दिया है कि वो इतने बड़े फंड पे बैठे कल को। यानी आपकी तमन्ना क्या है? आप 8,00,000 करोड़ रुपए का फंड यदि आपके पास है, तो मैं समझता हूं जब आपका खर्चा एवरी ईयर, आपकी पेंशन का खर्चा एवरी ईयर 20,000 करोड़ है, विड्रॉवल बेनिफिट सहित 22,000 करोड़ है, तब भी आप 8,000 करोड़ के खर्चे उस पर बैठे हुए हो। यानी इस हिसाब से देखें तो अगले 20 साल, एक साल में 20,000, अगले 40 साल तक यदि आपका इतना ही खर्चा हो और कोई इनकम ना बढ़े, तब भी आप अगले 40 साल तक पेंशन दे सकते हो इतने ही फंड में। और इतने ही फंड में क्यों? एवरी ईयर आपको 50-60,000 करोड़ रुपए की इनकम जो है, 60,000 करोड़ रुपए की इनकम आपको इंटरेस्ट से होगी, वो प्लस होता चला जाएगा एवरी ईयर। तो इसलिए ये कहना
बिल्कुल गलत है कि हमारा ये ईपीएफओ लॉस में चला जाएगा यदि हायर पेंशन दी गई तो। यानी पेंशन में, हर आदमी की पेंशन में, जो लोअर लेवल है मैंने उसे भी कैलकुलेट किया है, मैं आगे लेके आऊंगा, हर आदमी की पेंशन को यदि 5 गुना कर दी जाए, जो हमारे 2005 से जितने भी पेंशनर्स हैं, तब भी ईपीएफओ को कोई लॉस नहीं है, तब भी खर्चा केवल कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन के बराबर आएगा। यानी आप 8 लाख करोड़ आप अपने आपस अपने पास रखे रहिए, और 50 से 60 हजार करोड़ जो आपकी ईयरली इनकम होगी वो आपका फंड बढ़ता चला जाएगा। और यदि आप केवल कंट्रीब्यूशन जितना रिसीव हो रहा है, 56 हजार करोड़ कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है, आप कम से कम ईयरली इनकम को तो डिस्ट्रीब्यूट करने की सोचिए। यदि आप सोचेंगे तो ये पेंशन, मिनिमम पेंशन भी बढ़ सकती है और हायर पेंशन भी हो सकती है। इसी फंड में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।